नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। प्रधानमंत्री आवास पर मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और इन अहम फैसलों में PMAY के तहत 3 करोड़ और पिछले 10 वर्षों में 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं। और इसके साथ ही 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू है और 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी भी मिली है। अपने आप में बड़े फैसले। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, पहली बैठक और कई अहम फैसले, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, कैबिनेट की बैठक में कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। हम जानते हैं कि 4.21 करोड़ घर जब से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके तहत बनाए जा चुके हैं। और ये जरूरत महसूस की गई कि कई बार जरूरत बढ़ती रहती है और उसको लेकर 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे, इसकी मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में दी गई। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास शहरी के तहत एक धनराशि मिलती है, ग्रामीण के तहत एक धनराशि मिलती है, जिससे कि एक पक्का मकान जिसमें बिजली और LPG गैस की सुविधा ये सब सुनिश्चित होते हुए एक घर मिलता है गरीबों को। वो आप देखें कि बहुत पॉपुलर योजना जब से योजना शुरू हुई है 15-16 से, उसके तहत हम देख रहे हैं कि गांव-गांव और शहर शहर प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बने हैं। 4.21 करोड़ एक रिकॉर्ड रहा है बीते 10 वर्षों में, जब इतनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए गए हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। हम देखेंगे कि इसके लिए आवंटन जारी किया जाएगा और ये BJP संकल्प पत्र का एक वादा था कि ज़्यादा आवास और बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास के तहत, और सरकार ने इसका जिक्र भी किया था कि आने वाले समय में जब नई सरकार आएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ और नए घर बनाए जाएंगे। और हमने देखा है कि आज जो मंजूरी दी गई है वो 3 करोड़ नए आवास की दी गई है, तो ये बहुत बड़ा कदम है। खासतौर पर हमने सुबह देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहला कामकाज किया था, दस्तखत किए थे 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की जारी की थी, 20,000 करोड़ रुपए की से ज्यादा की राशि, 9.30 करोड़ किसानों को सीधा फायदा उससे। और अब कैबिनेट की बैठक का पहला फैसला है जिसमें गरीब कल्याण की छाप दिखती है, 3 करोड़ नए घर मिलेंगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास शहरी, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के जरिए। बिल्कुल, और केवल घर नहीं, इनमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी हैं, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे जल की सुविधा हो, तमाम एक तरह से जो प्रधानमंत्री ने फोकस लगाया है, गरीब कल्याण की बात करते हैं प्रधानमंत्री, किसानों की बात करते हैं प्रधानमंत्री ने 4 स्तंभ बताए थे देश की, अगर इसे विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो एक बड़े 4 स्तंभ हैं जिनके ऊपर आगे चलना है, उसे देखते हुए काफ़ी ये अहम ये फैसला हो जाता है। शैलेंद्र जी, देखिए मोदी सरकार का फोकस क्या रहा है 2014 से, गरीब, युवा, किसान और वंचित तबका। वंचित तबका यानी जो विकास की दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, वो आप पिछड़ा वर्ग है या फिर आदिवासी समाज है, दलित वर्ग है, उनके लिए विशेष योजनाएं चलाने के जरिए जिससे उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का अपलिफ्टमेंट किया जा सके, उसके लिए हमने तमाम फैसले समय समय पर देखे हैं। गरीब हित में एक बड़ा फैसला है कि 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे, 4.21 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं, तो अब 3 करोड़ और आवास बनेंगे, ग्रामीण इलाकों में बनेंगे, शहरी इलाकों में बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो एक बहुत बड़ा फैसला है। किसानों के लिए तमाम फैसले पहले भी लिए गए हैं, आज ही पहला फैसला ये है कि किसान सम्मान निधि की जो अगली किस्त है वो मंजूरी दी गई है, जारी की जाएगी 20,000 करोड़ रुपये। हम देख रहे हैं कि किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त तक अब ये मामला आ गया है, 16वीं किस्त तक हम जारी कर चुके हैं, 17वीं किस्त अब देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने उसकी मंजूरी दी है। तो किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, गरीब के हित में फैसले लिए जा रहे हैं। पहले ही फैसला एक लिया जा चुका था कि 5 साल तक मुफ्त अनाज योजना जारी रहेगी, यानी जो PDS के जरिए जो पैसा देना पड़ता था गेहूँ का या चावल का गरीब लोगों को, वो राशन कार्ड के जरिए जो अनाज मिलता था वो अगले 5 साल तक
मुफ्त मिलेगा 5 किलो प्रति व्यक्ति यानी 25 किलो तक प्रति परिवार, और अंत्योदय के तहत 35 किलो वो अनाज हो जाता है जो मुफ्त मिलता है। और ये कोरोना के समय पर योजना शुरू हुई थी, तब से हम लगातार देख रहे हैं कि उसमें आगे बढ़ोतरी होती रही और अब सरकार ने वादा किया कि अगले 5 साल तक वो जारी रहेगी। तो इस तरह के ऐलान पहले किए जा चुके हैं, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में अभी तक जो जानकारी आई है उसमें पहला फैसला लिया गया है 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाने का। तो जो प्राथमिकता रही है गरीब युवा किसान, उस दिशा में मोदी सरकार तेजी से फैसले ले रही है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार ग्रहण किया है। सबसे पहली फाइल जिस पर दस्तखत की उसमें किसानों से जुड़ा फैसला था, सीधे खाते में 20,000 करोड़ रुपए किसानों के जाएंगे इस फैसले के बाद। उसके बाद अब गरीबों से जुड़ा फैसला, जो आवास जिनके पास नहीं है या दिक्कत है, 3 करोड़ अतिरिक्त आवास बनाए जाएंगे उससे जुड़ा फैसला पीएम आवास योजना के तहत। तो इस तरह से लगातार तेजी से फैसले लिए जा रहे हैं और ये कहा भी था प्रधानमंत्री ने कि तेज रफ्तार से गरीबों के हितों में, किसानों के हितों में, देश के हित में फैसले लेगी सरकार, बड़े फैसले लेगी, अहम फैसले लेगी, ठोस फैसले लेगी। तो आप आज देख रहे हैं ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, कार्यभार ग्रहण के बाद सबसे पहला फैसला किसानों के हित में और कैबिनेट की पहली बैठक में गरीबों के हित में फैसला। बिल्कुल, हमारे संवाददाता सुधाकर दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र, सुधाकर आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से लगातार मिशन मोड में सरकार दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री ने जो पहली फाइल साइन की वो किसान हित में की और उसके बाद कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी, एक दशा, दिशा और जो गति है वो दिखाई दे रही है साफ तौर पर। बिल्कुल रमा, देखिए बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं। और आपको याद होगा जब चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री गए थे तो उस दौरान पीएम ने सीधे तौर पर एक तरह से गारंटी दी थी देश के लोगों को कि जब सरकार वापस आएगी, तीसरी बार जब शपथ ग्रहण होगा, तो जो जिन भी लोगों को देश में घर नहीं मिला है, कई लोगों के परिवार बड़े हो गए, कुछ लोगों को हो सकता है वो घर ना पहुंचा हो, तो उन तमाम लोगों को देश में हर एक गरीब को उसका अपना घर मिलेगा। तो उस वायदे को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली कैबिनेट में पूरा किया, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं। और सिर्फ कुछ घरों की बात नहीं, आप देखिए 3 करोड़ घर बनाने के लिए कैबिनेट ने फैसला किया है, हर राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में, जहां भी जरूरत होगी। और आप देखिए अब तक पिछले 10 साल की अगर बात करें तो 4 करोड़ 30 लाख घर ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। और ये सिर्फ घर नहीं है, आपको पता है रमा की घर के साथ साथ शौचालय की सुविधा हो, चाहे टैप वाटर कनेक्शन हो, उज्ज्वला यानी गैस सिलेंडर की सुविधा हो, तो एक परिपूर्ण घर, एक तरह से गरीब को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है उसकी कोशिश। और निश्चित तौर पर इन प्रयासों के जरिए हमने देखा कि बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए, एक तरह से न्यू मिडिल क्लास जिसकी बात कर सकते हैं उसकी तरफ अग्रसर हुए। तो उसी प्रक्रिया को, उसी एक स्पिरिट को आगे बढ़ाने की कोशिश कैबिनेट के इस पहले फैसले के जरिए। और ये बात जो पीएम मोदी कह रहे थे कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी बहुत कई फैसले लेने हैं, बड़े फैसले लेने हैं, तो उन बड़े फैसलों की हम शुरुआत देख रहे हैं। सुबह की शुरुआत हमने देखे किसानों के कल्याण के साथ, किसानों के साथ एक सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसके रूप में जब पहली फाइल उन्होंने साइन की, और आज शाम होते होते 3 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाने की बात। और ये घर रूरल और अर्बन दोनों इलाके में बनेंगे ब्रह्मा, सिर्फ ग्रामीण इलाकों में घर बनाने की बात नहीं है, ये शहरी इलाकों के जो गरीब हैं उनको भी इस तरह के घर की सुविधा मिल सकेगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला, और देश के हर हिस्से के, चाहे वो शहर में रहता हो चाहे वो गांव में रहता हो, गरीब को इससे फायदा होने वाला है। तो एक बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली ही कैबिनेट में लिया है। बिल्कुल सुधाकर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ा फैसला है और ग्रामीण और शहरी इलाकों दोनों में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए एक अपने आप में, जिसे कह सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल में एक चेंज को लेकर एक बड़ा फैसला इसे कहा जा सकता है। इसके साथ ही ये एक विश्वास भी है कि हर एक को एक अच्छा जीवन जीने का हक है, क्योंकि इसमें बुनियादी सुविधाएँ भी साथ हैं। तो कितना बड़ा विश्वास, और उस विश्वास के साथ सरकार जो है वो हर एक जन के साथ खड़ी है, ये
अपने आप में कितनी बड़ी मिसाल कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए रमा, और आप देखिए, एक पिछले 10 साल हमने देखा एक विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और उन चीजों को उन्होंने आगे बढ़ाया जिसकी लोग कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि ये चीजें उनके जीवन काल में साकार हो सकेंगी। अब प्रधानमंत्री मोदी, हम जानते हैं कि टुकड़ों में काम करना उस लिहाज से वो कभी सोचते नहीं है, वो हमेशा कहते हैं कि समस्याओं को खत्म करने की जरूरत है, और उस लिहाज से देश के हर एक गरीब के पास उसका अपना एक घर हो, पक्की छत हो, और इस सपने को और एक तरह से उन्होंने अमली जमा पहनाया। करीब 4.25 करोड़ से ज्यादा घर, किसी को यकीन नहीं होगा जो बीते 50-60 वर्ष में नहीं हो पाए, सिर्फ 10 वर्ष में वो उन्होंने करके दिखाया। और अब इस बार जो बचे हुए, हम जानते हैं कि कई बार आपस में बंटवारा हो जाता है, एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है, तो आवश्यकताएं बढ़ती है, तो तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के मकसद से और उनका जो एक विकसित भारत का जो सपना है, और उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए उसमें एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर आज का ये जो कैबिनेट का फैसला है वो साबित होने वाला है। और पीएम मोदी के शब्दों में कहे तो वो हमेशा ये बात कहते हैं कि गरीब को अगर जो इस तरह की बुनियादी सुविधाएं मिल जाए तो वो एक तरह से अपने आप आत्मनिर्भर होता है, अपना रास्ता वो बनाता है। तो इस बड़े मोर्चे पर जहाँ गरीब को अब सोचने की जरूरत नहीं है कि उसका घर होगा कि नहीं होगा, उसके घर में शौचालय होगा कि नहीं होगा, बिजली का कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, गैस सिलेंडर की सुविधा होगी कि नहीं होगी, नल से जल आएगा कि नहीं होगा, ये तमाम चिंताएं अगर वो गरीब की दूर हो जाती है तो वो जो विकसित भारत के सपने में प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया उसके साथ जुड़ जाता है, और निश्चित तौर पर कुछ यही मकसद होगा। आज पीएम ने कहा भी कि जो संकल्प है, जो इच्छा शक्ति के साथ स्थिरता होती है तो वो संकल्प बनता है, और संकल्प के साथ जब परिश्रम आता है तो वो सिद्धि की ओर जाता है। तो निश्चित तौर से ये परिश्रम किस तरह से मोदी 3.0 ये जो तीसरी बार मोदी सरकार बनी है वो किस तरह से इस परिश्रम को करने वाली है, आज पहले दिन के फैसले से ही वो उसका कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का जो संबोधन था उसमें स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो पीएमओ को भी उन्होंने कोशिश की कि वो सेवा का एक संस्थान बने और उसमें सभी शामिल हो, अपने आप में किस तरह से सरकार की मंशा को दिखाता है, और लगातार जिस तरह से मिशन मोड में सरकार दिखाई दे रही है, आगे किस तरह से सभी के लिए फैसले करने वाली है, इसकी भी एक वानगी है सुधाकर। बिल्कुल, और उन्होंने देखिए रमा, उन्होंने कहा कि सरकार का मतलब सामर्थ्य, समर्पण और संकल्पों की नई ऊर्जा है। तो आप देखिए किस स्पिरिट के साथ, किस एनर्जी के साथ प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा भी कि अपनी पीएमओ की टीम को जब वो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा तो हमारे लिए ना तो समय का बंधन है, ना सोचने की सीमाएं हैं, ना पुरुषार्थ के लिए कोई तय मानदंड। तो ये जो कहीं हुआ नहीं है, कभी हुआ नहीं है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकता, उस तरह की इच्छा शक्ति के साथ, उस पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ने की एक तरह से टीम को लीड करते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और यही बात उन्होंने पीएमओ में कहा कि उनके लिए पीएमओ एक पावर सेंटर नहीं है, वो पीपल्स पीएमओ है, और उस पीपल्स पीएमओ बनाने के लिए, पूरे सरकार को पीपल्स गवर्नमेंट बनाने के लिए, आपको याद होगा चाहे उन्होंने पीपल्स पद्मा बनाया हो या फिर जिस तरह से गरीब एक जो हम्बल बैकग्राउंड से पीएम मोदी आते हैं रमा, हम जानते हैं कि शायद यही वजह है कि आज सुबह का फैसला ले लीजिए या अभी कैबिनेट का फैसला, पीएम मोदी को पता है कि देश की जरूरत क्या है, पीएम मोदी को ये पता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए किन कदमों को उठाने की जरूरत है। तो इस तरह के बड़े फैसले एक तरह से बहुत आगे जिसका असर होने वाला वो लेने वाले हैं, तो इसका एक एहसास आभास उन्होंने दे दिया अपनी पहली कैबिनेट के जरिए। और उन्होंने जो कहा था कि अगले 100 दिन जब उनकी सरकार बनेगी तो 100 दिन बड़े फैसलों वाले होंगे, तो हम देख रहे हैं कि पहले ही दिन दो बड़े फैसले, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 100 दिन में क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल सुधाकर, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, मदन जाड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से
पहला ही फैसला कैबिनेट का अगर देखते हैं तो गरीबों के लिए एक नई सौगात आया है, 3 करोड़ अतिरिक्त घरों को मंजूरी। अपने आप में कितना बड़ा फैसला और किस तरह से सरकार किस दिशा में चलेगी, किस तरह से जो विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उसमें सबको आत्मनिर्भर बनाते हुए आगे बढ़ने की बात अपने आप से इन फैसलों में दिखाई देती है शुरुआत में ही? देखिए, ये वास्तव में बहुत बड़ा फैसला है और सरकार ने एक 24 घंटे के भीतर, मुझे लगता है कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, कम हुए हैं, 24 घंटे के भीतर एक बड़ा फैसला किया है। जैसे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कार्यभार आज सुबह संभाला तो उन्होंने एक जो किसान कल्याण निधि की राशि 17वीं किस्त थी उसको जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए, तो किसानों के हित में 9-10 करोड़ किसान उसका फायदा लेते हैं, तो किसानों के हित में सबसे पहले एक बड़ा फैसला हमने लिया। उसके बाद जब शाम को कैबिनेट की मीटिंग हुई तो ये जो 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला है ये सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं है, एक बहुत बड़ा फैसला है, इसका बहुत व्यापक इम्पैक्ट है। ये शहरी क्षेत्रों में भी बनते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बनते हैं और रियल सेक्टर क्षेत्र में जब कोई काम होता है, जब कोई बड़े पैमाने पे भवनों का निर्माण होता है तो उससे एक बहुत बड़े पैमाने पे अस्थाई और स्थाई रोजगार भी सृजित होते हैं। ये जब मकान बनेंगे अगले 1-2 सालों में, ये मकान बनेंगे बड़े पैमाने पे, तो बड़े पैमाने पे ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में एक तेजी भी आएगी क्योंकि वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम ने कल भी बोला था कि वो अपनी नई सरकार में ऐसे फैसले लेंगे जिससे गरीब लोगों का, मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन बेहद आसान हो। तो मुझे लगता है कि अगर हम आज के दोनों फैसलों को देखें तो ये उसी दिशा में है कि एक जो निचला तबका है, ये जो गरीब लोग हैं, उनके जीवन को आसान बनाने की दिशा में प्रगति हुई है। तो मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत ही स्वागत योग्य है। बिल्कुल, जीवन को आसान बनाने की बात है और इसके साथ ही जो विश्वास है वो भी एक देने की बात है कि जो सरकार है वो हर कदम पर जो है आम जनता के साथ खड़ी हुई है और विकसित भारत का संकल्प जो है आम जनता के साथ ही, उनके विकास के साथ ही पूरा होगा। जी निश्चित रूप से, जैसे कि हमने ये कहा कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो तभी पूरा हो पाएगा जब आम लोगों का जीवन बेहतर हो, लोगों को काम मिले, लोगों को रोजगार मिले। तो जब भी कोई विकास का काम होता है, जब भी विकास की कोई परियोजना बनती है और इतनी बड़ी परियोजना बनती है जहाँ पर 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य हो, तो यहाँ पर इसको दो तरीके देखिए, एक तो व्यक्ति को फायदा हो रहा है, दूसरा उससे हमारी जो पूरी इकोनॉमी है उसको फायदा हो रहा है, और तीसरा हमारा देश की जो प्रगति है, देश आगे बढ़ रहा है। जैसे लोगों के पास अपना घर होगा, लोगों को काम मिलेगा, तो उससे लोगों का जो अर्थव्यवस्था है, उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है वो भी बदलेगा। तो इस प्रकार जब एक लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, लोगों का जब शिक्षा स्वास्थ्य पर भी वो फोकस बढ़ाएंगे, उनके पास पैसा होगा, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका फायदा आगे जाके एक देश को विकसित भारत बनाने का, अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी बनाने का, उस दिशा में ही प्रगति होगी। बिल्कुल, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की, जो पहली फाइल उन्होंने साइन की वो किसान सम्मान निधि को लेकर जो 17वीं किस्त थी वो जारी की, तो जो देश के किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, उनके लिए एक कितना बड़ा संदेश है? किसानों के लिए सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि सरकार की प्राथमिकता में है वो जो योजना है, हालांकि वो पहले से चली आ रही है, ये 17वीं किस्त अब उसकी जाएगी, लेकिन जिस तत्परता से सरकार ने, प्रधानमंत्री ने पदभार संभालने के, मैं कहूँगा कि 12 से 14 घंटे के भीतर ही ये निर्णय लिया है और पहला फैसला लिया है, तीसरी गवर्नमेंट का ये पहला फैसला है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संदेश किसानों में ये गया है कि सरकार उनके कल्याण को लेकर वास्तव में बहुत चिंतित है और उनका वो किसान सरकार की प्राथमिकता में है। और जैसे पहले भी कई किसानों को हमेशा सरकार ने प्राथमिकता में रखा, किसानों की आय दुगुनी करने का जो लक्ष्य था उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिली, वो लक्ष्य भी पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि जब किसान निधि की ये राशि अगले कुछ दिनों में किसानों तक सीधे पहुँचेगी तो उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और ये एक किसानों के लिए तो संदेश है ही है, एक जो आम जनमानस है, हम और आप जैसे लोग हैं, उनके लिए एक अच्छा संदेश है कि किस प्रकार सरकार त्वरित फैसले ले रही है और किस तेजी से आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर है और एक नई सरकार बनी है, तो एक संदेश चारों तरफ ये गया है कि सरकार आगे बहुत तेजी से काम करना चाह रही है और जो भी जनता की आकांक्षाएं हैं वो आने वाले समय में इस सरकार से पूरी होंगी। जाड़ा जी, इसमें ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से 2015-16 में ये योजना शुरू हुई थी उसके बाद 4 करोड़ से ज़्यादा घर, 4.21 करोड़ के करीब जो घर हैं वो बनाए गए हैं, तो कितनी तीव्र गति से सरकार जो निर्णय ले रही है उन पर चल भी रही है, उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर रही है, तो ये जो गति दिखाता है ये अपने आप में कितनी प्रबल इच्छा शक्ति भी दिखाता है, क्योंकि किसी भी
डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए या किसी भी दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो बहुत जरूरी होती है। देखिए ये योजना काफी 17-18 से योजना शुरू हो चुकी थी, बीच में कोविड की वजह से थोड़ा धीमी पड़ी, लेकिन जैसे ही कोविड का असर खत्म हुआ फिर ये तेजी आई। इस योजना को लेके जो तमाम स्टडी आई है वो ये कहती है कि इस योजना से बड़े पैमाने पे जो अर्बन एरिया है, सब अर्बन एरिया है और प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में है, जब प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन शुरू हुआ तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़े हैं, तो ये एक योजना बनाती है। दूसरे, जिन लोगों के पास अभी तक आवास नहीं थे वो किराए के मकान में रहते थे, खासकर इस योजना का फायदा उन लोगों को मिला है जो बहुत गरीब हैं या थोड़ा सा गरीबी से बेहतर है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो उन लोगों को योजना का फायदा मिला है। तो जिस आदमी के पास मकान नहीं है, अगर उसको एक छत मिल जाए, चाहे वो शहर में रहता हो चाहे वो गांव में रहता हो, तो मुझे लगता है कि आज इससे बड़ी चीज़ तो कोई नहीं हो सकती। जैसे ही किसी व्यक्ति को छत मिलती है या उसको एक बिना किराए का मकान अपना घर मिलता है, तो मुझे लगता है कि एक उसका जो सालों का सपना है वो पूरा हो जाता है कि अब मेरे पास अपना घर है, उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, उसके अंदर उत्साह आ जाता है और वो व्यक्ति फिर ज़्यादा उत्साह से अपने जीवन में आगे बढ़ता है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, शैलेंद्र आपके पास आएंगे लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए, घुटना कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं मदन जेड़ा, और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं शैलेंद्र मिश्र, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहले ही दिन मिशन मोड में सरकार दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री के अगर हम संबोधन की बात करते हैं तो जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरा लक्ष्य है 140 करोड़ देशवासियों के लिए खप जाना, बिना रुके बिना थके लगातार जो है उनके विकास के लिए आगे बढ़ना, ये अपने आप में दिखाई देता है इन फैसलों से। आपके हित में और 20,000 करोड़ रुपए की राशि किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं किस्त जारी करने की फाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दस्तक किया। तो आप जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा जो समुदाय है वो किसानों का है, तो किसानों को राहत से एक अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है और जब ज़्यादा अन्न उत्पादन होता है तो हम आत्मनिर्भर होते हैं अनाजों के मामले में, और अब तो हम कृषि में निर्यात भी कर रहे हैं, अलग अलग उपज जो हमारी है वो हम दुनिया के बाजारों में जगह बना रहे हैं। जो कैबिनेट का फैसला हुआ 3 करोड़ नए घर बनाने का, देखिए इससे होगा क्या, मदन जेड़ा जी बहुत सही कह रहे थे कि जब भवन निर्माण होता है तो आप देखिए सीमेंट पर असर पड़ता है, सीमेंट की खपत बढ़ती है, सरिया की खपत बढ़ती है, ईंटों की खपत बढ़ती है, मजदूरों की ज़्यादा जरूरत होती है, कारीगरों की ज़्यादा जरूरत होती है, तमाम जो भवन निर्माण से जुड़े जो सामग्री है उनकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक का सामान ज़्यादा चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है कि कई सेक्टर, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा सेक्टर्स पर इसका एक सकारात्मक असर पड़ता है, तो प्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा होती हैं इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में, और जो घर बनाने में हम मजदूर देखते हैं उनकी ज़्यादा जरूरत होती है, तो ग्रामीण स्तर पर रोजगारी बढ़ती है,
कार्य दिवस बढ़ते हैं, वहाँ पर ग्रामीण का जो प्लान है वो रुकता है, उन्हें अपने गांव में या निकट के कस्बे में नौकरी मिल जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के तहत घर बन रहे होते हैं, जिसमें मनरेगा के तहत हम देखते हैं काम भी होता है, प्रधानमंत्री आवास शहरी के तहत घर बन रहे होते हैं, तो एक तरफ ज़्यादा रोजगार होता है, दूसरी तरफ तमाम सेक्टर्स पर सकारात्मक असर होता है, तो उसका फर्क होता है अर्थव्यवस्था पर। और हम देख रहे हैं कि दुनिया के सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत ऐसे ही नहीं बन रहा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार जो फैसले किए गए, सुधार किए गए, कोरोना की चुनौतियों के बावजूद कई ठोस फैसले किए गए, आज हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर न केवल लौटी है बल्कि अब दौड़ रही है। तो इसका असर ये हुआ है कि जब कंपनियां मजबूत होती है, दुनिया भर को ये भरोसा होता है कि भारत मजबूत स्थिति में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार उसकी सेहत सुधर रही है, तो दुनिया के निवेशक भारत की तरफ आकर्षित होते हैं, विदेशी निवेशक, FDI ज्यादा आता है, उसका एक आंकड़ा हम देख रहे हैं उच्चतम स्तर पर है, FII जिसे हम शेयर बाजार में जो पैसा आता है उसको हम देख रहे हैं कि काफी पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ वर्षों में, आज शेयर बाजार उच्चतम स्तर पर इसलिए है क्योंकि कंपनियों की जो ग्रोथ है, वो जो अर्निंग्स है वो बढ़ रही है, तो इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। तो इसका असर क्या होता है, इसका असर कंपनियों पे होता है, उनके आर्थिक प्रदर्शन पर होता है, वो नौकरियां ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा इंजीनियर्स की जरूरत होती है, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की ज़्यादा जरूरत होती है, तो ये एक पूरी साइकिल है जो तेजी से चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य क्या है कि सबसे पहले सहारा देना है किसानों को, सबसे पहले सहारा देना है ग्रामीण इलाकों में गरीबों को, शहरी इलाकों में गरीबों को, इसलिए पहले अन्य योजना के तहत उन्हें मुफ्त राशन दिया जा रहा है जिससे उनके खाने पीने के लिए उन्हें चिंता न करनी पड़े, सब्सिडी दी जा रही है गैस सिलेंडर पर, जो उज्ज्वला के तहत जो गैस सिलेंडर धारक है कि उससे उनका बोझ न उठाना पड़े, आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है जिससे अगर उन्हें कुछ भगवान न करे कुछ हो जाए, कोई बीमारी हो तो उनका इलाज कर मुफ्त हो सके, 5 लाख तक वो जाके कार्ड दिखा के इलाज कर सकते हैं, उनको कोई कर्जा ना लेना पड़े, उनको अपनी कोई छोटी मोटी जमीन ना बेचनी पड़े, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। उसका असर ये हुआ है कि 25 करोड़ लोग, आज़ादी के भारत के इतिहास में सब पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में 25 करोड़ लोग गरीबी से रेखा से ऊपर आए हैं, यानी गरीब अब उनको मानक के हिसाब से वो गरीब नहीं रहे, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मध्य वर्ग की तरफ आगे बढ़े, वो गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर आ गए। तो इसका एक बहुत बड़ा असर ये हो रहा है कि कॉन्फिडेंस आया है भारतीय अर्थव्यवस्था में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम ठोस फैसले लेने में सक्षम हैं, जमीन पर सीधे पैसे पहुंच रहे हैं, बिचौलिए खत्म हुए हैं, और ऐसी योजनाएं जो प्रधानमंत्री आवास योजना है जो गेम चेंजर होती है, 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं, 4 करोड़ 21 लाख, अब 3 करोड़ और बनेंगे, तो आप देखेंगे उससे पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, पूरा मार्केट में तमाम कंपनियों में निवेश आता है, रफ्तार बढ़ती है। बिल्कुल, इसी आत्मविश्वास पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में ले लेते हैं एक ब्रेक, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया, बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूले, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM Ribs के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पाव भाजी, पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला, MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH Your gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people. For whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और हमारे साथ जो इस कार्यक्रम में खास मेहमान बने हुए हैं मदन जेड़ा जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। मदन जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे
जिस तरह से अर्थव्यवस्था में कॉन्फिडेंस की बात जो है वो दिखाई दी है, और अगर पिछले कार्यकाल की बात देखें कोविड के समय जब दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाएं बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो भी डामाडोल हो रही थी, तब अर्थव्यवस्था को स्थिरता देना, इसके बाद कई ऐसे फैसले करना जिससे कि अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर लगातार बढ़ रही है, उसमें सबको साथ लेकर चलना, किस तरह की उम्मीद इस बार की जा सकती है? निश्चित रूप से देखिए, जिसमें हम अगर कोविड की भी बात करें उस समय जैसे मैंने भी पहले भी जिक्र किया था, उस समय भी अगर हम बात करें तो तमाम उस समय योजनाएं करीब करीब बहुत धीमी गति से हो गई थी, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस समय भी इसमें धीरे धीरे काम चलते रहा था। तो एक जब कोविड के समय बड़ी रोजगार की समस्या पैदा हुई थी, तो अगर हम कुछ दिन छोड़ दें तो लगातार कुछ दिन जो लॉकडाउन के छोड़ दें उसके बाद भी इस योजना पे धीरे धीरे काम चलते रहा था, और काफ़ी संख्या में उस समय भी लोगों को इस पर इस योजना से लगातार रोजगार मिलता रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर हम भारत की इकोनॉमी की बात करें तो हम कोविड की जो प्रभाव है उससे करीब करीब हम 99% मैं कहूँगा कि 100% हम उभर चुके हैं और आज जब नई सरकार बनी है तो आज एक सरकार के भीतर, एक हमारे जनमानस के भीतर और एक जो एक लाभार्थी वर्ग है उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है कि अब हम इस बार कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इसमें जहां पर सिर्फ लोगों को फायदा तो होगा ही होगा हम लोगों को, लेकिन एक देश एक आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा, एक देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि पिछले 5 और 10 सालों में जो जमीनी स्तर पे काम हुए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम हो, चाहे वो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का काम हो, या चाहे वो दूसरे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने का काम हो, उस दिशा में जो पहले हुई है जो पिछले 10 सालों में ही उसका बहुत मजबूत जमीन तैयार हो गई है, अब उसके नतीजे अगले 5 सालों में सामने हमें दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि विश्वास हर तरफ है, हमारे इंडस्ट्री में भी है, हमारे आम लोगों में भी है, और जो सरकार है वो तो आत्मविश्वास से भरी हुई है, वो मुझे आप स्पष्ट नजर आ रहा है कि पहले ही दिन 2 बड़े फैसले लिए गए। बिल्कुल, पहले ही दिन 2 बड़े फैसले। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, किस तरह के फैसले और लिए जा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, 2 फैसले लिए जा चुके हैं। सबसे पहला कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया वो किसानों के हितों से जुड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें गरीब कल्याण के तहत 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनाने का फैसला किया गया। कैबिनेट में और कौन से फैसले हुए हैं ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कहा जा रहा है कि नया संसद सत्र बुलाने का, लोकसभा नई जो गठित हो रही है वो उससे जुड़ा फैसला लिया जा सकता है, कुछ और फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन जो आज का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो 3 करोड़ अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का है। संकेत ये है कि आने वाले समय में कुछ और इस तरह के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि आप याद कीजिए चुनावी नतीजे आने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय में देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि बड़े और अहम और ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे इस कार्यकाल में और रफ्तार बढ़ेगी सरकार की, ये भी बहुत स्पष्ट तौर पर एक संकेत दिए थे। तो हम वो होता हुआ देख रहे हैं, कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार ग्रहण किया, उसके बाद पहला फैसला हम सब चर्चा कर ही रहे हैं और कैबिनेट का पहला फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो इसकी एक पूरी श्रृंखला अगले 100 दिनों में दिखाई देगी। और बीते 10 वर्षों में भी हमने देखा है कि ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, और फैसला लेने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि वो फैसले जमीनी स्तर पर तेजी से लागू हो। ये पहले कभी नहीं हुआ कि किसी टारगेट को उस टारगेट से बहुत पहले हासिल कर लिया जाए। उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ गैस कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया, पहले उसे हासिल कर लिया गया, फिर 8 करोड़ का रखा गया, पहले उसे हासिल कर लिया गया, फिर उसके ऊपर और आगे उसे बढ़ाया गया, वो भी टारगेट से पहले हासिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य भी कोरोना की वजह से थोड़ा जरूर उसमें देरी हुई, लेकिन उससे पहले बहुत रफ्तार तेज थी, बाद में रफ्तार तेज हुई। आप तमाम बड़े बड़े पुल हाईवे देख रहे हैं, जो टारगेट दिया जाता है वो समय से पहले पूरा होता है, इससे हजारों करोड़ रुपए की बचत होती है। DBT जब योजना लागू हुई उससे पहले होता क्या था कि बिचौलिए जो केंद्र द्वारा भेजे गए पैसे का कुछ हिस्सा खा जाते थे, ऐसा आरोप था और ऐसा होता भी था। DBT योजना लागू होने से 1 रुपया केंद्र से चलता है, सीधे किसानों के लाभार्थियों के खाते में जाता है, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश वहां पर नहीं बची है। तो ये क्रांतिकारी बदलाव हम 10 सालों में देखते हैं जिसका फायदा किसानों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लाभार्थियों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। PDS पूरी सिस्टम, PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इतना बेहतर किया गया है कि आज कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में अपने अनाज का कोटा ले सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग कामकाज के लिए बाहर जाते रहते हैं परिवार सहित,
तो वहाँ पर पीवी को अनाज मिल जाएगा। सुनिश्चित किया गया है कि मुफ्त इलाज मिलता रहे, मुफ्त अनाज मिलता रहे। मुफ्त इलाज तो हम देख ही रहे हैं अंत कार्ड के तहत, तो ये आयुष्मान कार्ड के तहत, तो ऐसे में ये क्रांतिकारी बदलाव हम देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस नहीं है, आप देखिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किस तरह से पूरे हुए हैं, जिनकी कल्पना भी शायद आज से 10 साल पहले नहीं की जा सकती थी। आर्थिक सुधारों की तरफ हम किस तरह से आगे बढ़े, गवर्नेंस सुधरा है। आज तमाम पीएसयू कंपनियां जो खस्ता हाल थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि बेचना ही उनको विकल्प है, वो लीडिंग कंपनियां बनी है अपने सेक्टर की, मुनाफा दे रही हैं, उनके शेयर प्राइस आप देखिए ऊपर चले गए। एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आप देखिए रेलवे से जुड़ी तमाम सरकारी कंपनियां जी, इंडियन ऑयल, भेल, गेल, वो सब बड़ी कंपनियां, उनकी तो हम देखते हैं प्रदर्शन बहुत अच्छा होता जा रहा है, वो तो निश्चित तौर पर है ही है। लेकिन ये सरकार ने सुनिश्चित किया है कि गवर्नेंस बेहतर हो, उसका असर हम पीएसयू में भी देख रहे हैं, बिल्कुल उसका असर हम सरकारी योजनाओं में भी देख रहे हैं, गवर्नेंस पर खासा फोकस है, सरकार की सोच में। बिल्कुल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जो है जाड़ा जी से भी ले लेते हैं, मदन जाड़ा जी, जिस तरह से गवर्नेंस पर फोकस इस सरकार ने किया है और आगे भी प्रधानमंत्री ने जब अपना संबोधन दिया उसमें ये कहा और ये भी कहा कि एक स्पष्ट सोच, उस सोच को सामर्थ्य के साथ, संकल्प के साथ लागू करना, तभी सिद्धि हो सकती है। किस तरह से ये आगे की यात्रा को दिखाता है और जो समय से पहले जो है टारगेट हासिल कर लिया गया है उसमें भी इसका एक बड़ा योगदान रहा है। निश्चित रूप से जब गवर्नेंस पर फोकस होता है तो उसके दो फायदे हैं, एक तो जो योजना है, कोई भी योजना परियोजना जब बनती है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि हमें एक साल में पूरी करनी है, दो साल में पूरी करनी है या तीन साल में पूरी करनी है। आमतौर पर अब तक ये देखा गया था कि वो योजनाएं सालों लटकी रहती थी और वो पांच पांच दस दस साल तक वो योजना पूरी नहीं होती थी, उसका नुकसान ही होता था, एक तो कीमत बहुत बढ़ जाती थी, दूसरा लोगों तक फायदा नहीं पहुंचता था। जब से एनडीए सरकार बनी है पिछले अब 10 सालों में देख रहे हैं कि योजनाएं अपने तय समय से पहले पूरी हो रही है, इससे उनकी जो खर्च में बचत हो रही है और दूसरा जो लाभ लोगों को पहले 5 साल बाद मिलता था वो 2 साल के भीतर मिल रहा है, तो एक तो फायदा हुआ कि लोगों को जल्दी तुरंत उसका फायदा मिला, दूसरा उसकी बचत भी हो रही है। इसके अलावा कुछ योजनाएं ऐसी होती है जहां पर डायरेक्ट कोई बेनिफिशियरी को फायदा मिलना होता है तो उनमें भी पहले गवर्नेंस ठीक नहीं होती थी या आईटी का इस्तेमाल उतना नहीं होता था, लेकिन इधर पिछले 5 से 10 सालों में आईटी और इस तरह के डीबीटी की जो योजनाएं शुरू हुई है तो वहां पर सीधा लाभ लाभार्थी को मिलने लग गया, जो बीच में जो पैसा कोई दूसरे लोग उसको हड़प जाते थे वो सब चीजें खत्म हो गई। तो मुझे लगता है कि सीधे लोगों को भी फायदा हुआ इसका और सरकार को भी फायदा है, क्योंकि सरकार की योजना अगर तय समय में पूरा हो जाएगी तो उसकी जो लागत बढ़ती है उसमें, क्योंकि जो मटेरियल लगता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो कॉस्ट भी नहीं बढ़ेगी अगर योजना सरकार का और जनता का दोनों का फायदा है, तो इसलिए जितनी अच्छी गवर्नेंस होगी तो उसके नतीजे उतने ही अच्छे होंगे। बिल्कुल, ये रफ्तार और ये प्रतिबद्धता जो है आगे भी जारी रहेगी, इसकी झलक पहले ही दिन दिखाई दे गई है। मदन जाड़ा जी आपका और शैलेंद्र आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।